बैक टू माई चैनल द चटोरी बनिया। मैं हूँ वैशाली अग्रवाल और आज की वीडियो में हम आए हैं राजौरी गार्डन मार्केट में यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई करने। तो राइट बिहाइंड मी देयर इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर जॉइंट ओवर है विच इज़ कॉल्ड अतुल चाट भंडार। और मैंने काफ़ी रिसर्च की एंड आई गॉट टू नो कि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अमंग द लोकल्स एंड द पीपल हु आर कमिंग फॉर शॉपिंग ओवर है। तो सबसे पहला स्पॉट हमारा यही होना था। तो लेट्स सी हम यहाँ से क्या ऑर्डर करने वाले हैं एंड हाउ इट टेस्ट। इसमें से चाट मसाला भी डाला हुआ है, उसके साथ इन्होंने प्याज दी है, थोड़ा सा नींबू और हरी चटनी, थोड़ा सा नींबू डाल लेते हैं। ये प्लेट है फॉर 80 रुपीज़। तो मैं अब इसे ट्राई करने वाली हूँ। काफ़ी अच्छे फ्लेवर्स हैं, बहुत ही बटरी पाव भाजी है, मतलब ऊपर से बटर तैर रहा है अच्छे से। और इन्होंने जो पाव सेके वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से बिल्कुल मक्खन में सेके हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। और ऐसे थोड़ा सा गार्लिक ही सा फ्लेवर आ रहा है, पता चल रहा है। बाकी टेस्ट काफ़ी अच्छा है। प्राइस इज़ फॉर 80 रुपीज़ एंड यू कैन गिव इट अ ट्राई व्हेन यू आर इन दिस राजौरी गार्डन मार्केट। एंड डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट कि आपको ये पाव भाजी कैसी लगी। शॉप पे विच इज़ द मोमोज हब एंड हम यहाँ से ऑब्वियसली मोमोज ट्राई करने वाले हैं एज़ पर देयर नेम। हमने इनके मंगवाए हैं एक प्लेट वेज स्टीम मोमोज जो है 100 रुपीज़ के, इसमें है 6 पीसेस। और एक हमने मंगवाया है किटकैट शेक और ये भी 100 रुपीज़ का है। तो मैं दोनों चीज़ें ट्राई करके आपको बताऊँगी कि ये कैसा है। तो किटकैट शेक इज़ ओके, मतलब जितना थिक आई वॉज एक्सपेक्टिंग ऐसा नहीं था। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि वाटर की क्वान्टिटी ज़्यादा है देन द मिल्क एंड अदर थिंग्स एंड थोड़ा सा इसलिए वो फ्लेवर शायद मुझे नहीं आ पा रहा है। तो मोमोज़ हमने लिए हैं वेज स्टीम मोमोज़ जो हमें मिले हैं एक चिली सॉस और मेयोनीज़ के साथ। सो लेट्स ट्राई इट आउट और देखते हैं कि मोमोज़ कैसे हैं। तो मोमोज़ के पीसेस काफ़ी अच्छे खासे बड़े हैं, बहुत गर्म है। सो ये है मोमोज की स्टफिंग। तो इसमें मुझे दिख रहा है गाजर, स्वीट कॉर्न और पत्ता गोभी और थोड़ा सा धनिया। तो लेट्स टेस्ट इट एंड सी कि ये कैसे हैं। आई डिप इट विथ सम मेयोनीज एंड रेड चिली। इट्स रियली गुड, काफ़ी सही है। रेड चिली सॉस है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, बहुत अच्छा केक आ रहा है फ्लेवर्स का। बट मुझे ऐसा लगा है कि जो मोमोज की आउटर कवरिंग है वो थोड़ी सी थिक है, वो थोड़ी सी और पतली हो सकती थी। एंड आई थिंक कि एज़ पर द प्राइस द क्वांटिटी इज़ क्वाइट लेस, क्योंकि 6 पीसेस फॉर रुपीज़ 100 इज़ नॉट दैट गुड, बट इट वॉज ओकेश। सो यू कैन गिव दिस शॉप अ ट्राई इफ़ यू आर इन राजौरी गार्डन मार्केट और यू कैन स्किप इट एट ऑल। सो लेट्स आई एम गोना एंजॉय माई मोमोज एंड सी यू गाइज लेटर।
अप राइट नाउ और हमने ले ली है सेव पूरी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी लग रही है। और तो ये भी आज के दिन का हमारा फाइनल स्टॉप है क्योंकि इसके बाद वी गॉट अ गो। और ये सेव पूरी आपको इस मार्केट में मल्टीपल कियोस्क पे मिल जाती है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे भेलपुरी सेव पूरी वाले, जहाँ पे आपको ये बहुत इजीली अवेलेबल होती है। तो इसकी कॉस्टिंग है 80 रुपीज़ की एंड मैंने हाफ प्लेट ली है, सो ये है 50 रुपीज़ की, जिसमें आपको आई गेस 5 या 6 जो पापड़ी होती है जिसपे वो बनता है वो मिली है। एंड अब मैं इसको ट्राई करके बताती हूँ कि ये कैसी है। तो इन्होंने इस पर पूरा अच्छे से अनार, धनिया और प्याज और ये जो सेव होती है इससे टॉप किया है। और मैंने मेकिंग की वीडियो भी इसमें ऐड की है, तो आप वो भी देख सकते हैं कि कितनी इंटरेस्टिंगली ये बनाई गई है। ख़त्म नहीं हो रही, काफ़ी सही है, बहुत ज़्यादा लोडेड है। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिनिश इट, मतलब काफ़ी टैंगी सा फ्लेवर है, जैसे इमली की चटनी का फ्लेवर होता है वैसे फ्लेवर्स हैं। एंड इट इज़ क्वाइट डिसेंट, आप ही ट्राई कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे मल्टीपल कियोस्क पे अवेलेबल है, आराम कहीं से भी ये ट्राई कर सकते हैं। एंड वी आर एट द आइकॉनिक राजौरी गार्डन मार्केट। तो मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी, तो मैंने सोचा स्ट्रीट फूड यहाँ का मिस नहीं करना चाहिए। तो हमने कुछ जॉइंट्स ट्राई करे हैं इंक्लूडिंग स्ट्रीट फूड एंड द कैफेज एंड द शॉप्स एज वेल। डू कॉमेंट एंड लाइक ऑन दिस वीडियो इफ़ यू वॉन्ट अ पार्ट टू टू बी मेड, बिकॉज यहाँ पे इतने सारे जॉइंट्स हैं। ऑब्वियसली इट वॉज नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल ऑफ दोज इन अ सिंगल वीडियो। तो इफ यू वॉन्ट पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो प्लीज़ कॉमेंट डाउन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो राजौरी गार्डन या आस पास रहते हैं, जिनको ये फूड स्टॉल्स ट्राई करने चाहिए। या अगर आपने ऑलरेडी ट्राई किए हैं तो कॉमेंट करके बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड आपको पर्सनली ये सारी चीज़ें कैसी लगी। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। आई मेक वीडियोज़ अराउंड फूड एंड ट्रैवल इन डेली, इन एंड अराउंड डेली। सो मैं अपनी सेव पूरी करती हूँ फिनिश, अपनी शॉपिंग करेंगे कंटिन्यू एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।